देखिए, ये तो 10 रुपये का है। हाँ मटर का पकड़ा है, फ्रिज से निकल, तुम दिया है? नहीं हमने दिया। तो फ्रिज खुला होगा फिर? फ्रिज तो बंद है। वो कहाँ से लेके आया पता नहीं। अरे ये ले आता है 1 किलो 2 किलो, तो ठीक है लाओ, हम तो खाता। अभी हम इसको दिए हैं थोड़ा सा, एक पीस दिए हैं पेटी और एक तो दिए हैं माथा, तो खाया है। और पत्ता गोभी का साग दिए हैं, पत्ता गोभी और आलू का सब्जी बनाता उसको दिए हैं। तो नहीं खाए, तुम खाओ थोड़ा। खड्डू का जूता बनवाया था 5 रुपया बोला था, इसको 10 रुपया दे दिया। और आज देखिएगा ना क्या बोलता आज है। मैडम को मन किया फुचका खाने का, फुचका खाएंगे, बाबू का जूता भी बनवाएंगे। हाँ जूता भी बनवाना है और कुछ स्पेशल तो तुम करोगे, स्पेशल बोलेंगे तो बोलिए बोलिए मैडम, कुछ स्पेशल फुचका के साथ दही बड़ा भी मिल सकता है। चलो चलो, उस दिन खा गए कितना का? 40 का खा गए। घर जाए खाने, खाना ही नहीं खिला रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह का वक्त है और आज मौसम बहुत अच्छा है और लड्डू भी। गुड मॉर्निंग गाइस, लड्डू उठ गया, लेट से उठा है। हाँ हम, इसके पापा को बाजार जाना था तो बोला चलो साथ में, हम बोला नहीं जाएंगे। आज बहुत सारा कपड़ा भी धुलाया है, थोड़ा देर हो रहा है 20 मिनट। हाँ काम पूरा खत्म हो गया। हाँ, घर अभी अभी जस्ट गई है, बस खाना बनाना है। तो छुट्टी है तो हम सोचे कि थोड़ा लेट से ही काम करेंगे। और लड्डू जो है ना बहुत डिस्टर्ब करता है, इसके पापा माइक लेकर के हैं, उसका जो डब्बा है डब्बा मांग रहा है तभी से पूरा छीन छान कर रहा है। और इसके लिए दलिया बनाया था गाइस, थोड़ा सा कम बनाए थे तो वही खा रहा है। बाहर ले गए थे हम इसको घुमाने, इसके पापा बोले बाजार जाएंगे, गाड़ी निकाले थे, लेकिन हम बोले अब तुम चले जाना, हम नहीं जाएंगे। ये भी जाना चाहता है ना, आज इसको लेकर नहीं जाएगा इसका पापा बाजार। हम देखेंगे, बाजार ही जाना था, जाना है क्या, बार बार माइक को पकड़ना चाहता है। कुरकुरे पापा इसको कल खरीद करके लाया, वही रखा हुआ था, देख लिया पैकेट, ओ खिला रहा है, लेके आया है। ओके ओके, तो इसको खिलाते हैं हम गाइस। हम जाते हैं मार्केट से, आते हैं उधर से। अभी जाओगे अकेले तो? हाँ। 8 दिन गाइस, देखिए लड्डू का पापा क्या क्या लिया है, इतना सारा फूल गोभी ए राम 3 ठो और ये बंद पत्ता को भी 1 ठो, और मटर है, गाजर, खीरा, टमाटर, प्याज, और क्या लाया है, नॉनवेज कुछ आया होगा देखें हम, थोड़ा तो बनाते हैं इसको, थोड़ा अलग से रखते हैं कहीं पर हम, तब जाकर नहीं छोड़िए डाल देते हैं, इतना हम परेशान नहीं होंगे अभी। गाइस जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, लड्डू अभी बिजी है तो यही। और आज हम बाजार नहीं गए थे, लड्डू के पापा अकेले गए थे। लड्डू को लेके जाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत परेशान करता है वहाँ पर जाकर के, इतना परेशान इतना परेशान कुछ ही मत। और आज ठीक हुआ है, सब्जी ले आए हैं, देखते हैं गोभी का पराठा बनाएंगे एक दिन, ठंडा में तो यही सब अच्छा लगता है, गोभी का पराठा, आलू का पराठा, ये सब ठंडा का खाना है गाइस। आप लोग के घर में भी बनता होगा, ये सब है झारखंड का खाना है ये सब। और ये कैसे रखेंगे फ्रिज में, हमको तो समझ में ना आ रहा, चाकू का ज़रूरत है इसका पापा। अच्छा यहीं पे रख देते हैं अभी, इसके बाद में घुसा देंगे अंदर। देख रहे हैं 10 रुपये में मिला है गाइस, अभी ठंडा के समय तो सब तरफ सस्ता हो जाता है बाजार, तो इस समय में खाइए आप लोग भी खूब और इन्जॉय करिए। मटर पता नहीं कैसे था, पहले तो 40 रुपये था और अभी कैसे है नहीं जानते हैं। हम लोग के उधर इसका सब्जी बनता है, इसके पत्ता का सब्जी बहुत अच्छा लगता है खाने में, सब चीज़ का सब्जी, साग सब्जी बन रहा है। अभी इतना महंगाई हो रहा है कि आदमी क्या चीज़ नहीं खाएगा बोलिए तो। अभी सस्ता है तो गरीब आदमी भी 10 रुपये का तो माल खा सकता है। टमाटर का भी पता नहीं, बाप रे, अभी गर्मी आएगा गाइस तो हो जाएगा 80 रुपये के जी, 120 रुपये के जी, तब तो क्या होगा। और ये सब नींबू, नींबू का याद दिलाता है, नींबू नींबू मेरा मर गया। हाँ देखिए मटर हम खाएंगे थोड़ा देर में, अरे पत्ता गोभी हम लोग, मेरा ससुराल में ऐसे होता है पत्ता गोभी तो वहाँ कोई नहीं खाता है, खरीद कर खा रहा, बताइए खाते हैं लेकिन यही लोग नहीं खाना चाहता घर में कोई, हम तो खा लेते हैं सब, मेरा वैसा कोई चॉइस नहीं है। सब्जी अच्छा से बना रहना चाहिए, एकदम साफ सफाई, देखने में अच्छा लगना चाहिए तो खा लेंगे, अब रहेगा खराब हो तो खाने का मन नहीं करता है। और यहाँ है ये है लंका मिर्च, और यहाँ आप लोग को दिखाते हैं कौन सा मछली है, रेहू मछली है ना, कतला मछली है ना, कौन मछली। और ये गाइस है रेहू माछ, हम नहीं जानते हैं जो माछ है,
तो ये बनेगा आज पत्ता गोभी का सब्जी बनाए हैं हम पहले का था। तो वीडियो को लेकर चलते हैं गाइस आगे और दिखाते हैं अब क्या क्या होता है आज। अट जाएगा आज पूरा एकदम फ्रिज भर देंगे पूरा इतना सब्जी ले आए पूरा थैला भर के एकदम। मार्केट इतना सस्ता था ना कि लग रहा था कि और ले तो कहाँ ले गाइस बाहर से होता है तो उसमें चोकला रहता है ना उसमें मछली का जो छिलका रहता है ना उसका छोया वही छुड़ाते हैं। अंदर धोने से क्या था किचन में हमको घिन लगता है सब बर्तन में महक जाता बिस्तर बिस्तर। ये मिर्चा धो धा के रख लेंगे पहले उसके बाद उसको धोएं। अब बाजार में बहुत गंदगी नहीं कादो कादो रहता है ना पूरा कीचड़। खांसी हो गया मछली को जितना देर पानी में रखेगा वो खराब नहीं होता लेकिन चिकन को बहुत देर पानी में डुबा के रखिएगा तो खराब लगने लगता है टेस्टलेस हो जाता है। धो धा के इसको रेडी कर देते हैं और बाबू को हमारे देखते हैं जल्दी जल्दी नहा धोवा देते हैं ताकि सो जाता है जानते हैं। सहजन ना डंटा का जोकी का फूल ना मुनगा फूल मुनगा सुट्टी मुनगा फूल अभी की सुट्टी अभी लेट से होगा अभी इधर हुआ हम लोग यहाँ पेड़ है देखते ना हुआ तेरे कभी अभी इधर फेंका पे का पकड़ा है फ्रिज से नहीं सुन दिया है नहीं हमने दिया तो फ्रिज खुला होगा फिर फ्रिज तो बंद है वो कहाँ से लेके आया पता नहीं अरे नहीं रे आज आफत हो गया मेरे पास एक ही ट्राउजर है जो पहने है उसके बाद है ही नहीं नहीं इसी को आज पहनने का करें ऐसे रात में इसको पहने थे रात में पहने थे अरे तो इनर है कि इतना सारा कपड़ा हो गया है ना आज जगह नहीं है घाटने का अभी तक बाल्टी में पड़ा हुआ है सूखा लोला एक तरफ कर दो और है गाइस भात खा रहे हैं बज रहा है कितना टाइम पता नहीं 12 बज गया 12 से पार हो गया ये फालतू बताता है 12 बज गया यार देखो ना ये कहने है घड़ियों में चलता है 12:30 हो रहा है आधा घंटा लेट है तो का तेरा नाम देख करके लड्डू सो गया दो ठो मछली खाए हैं लेकिन हम एक खिलाए थे एक पीस हम खिलाए हैं ईशान खेल रहा था उससे टाइम तो अरे बैठो ना आराम से धूप आ रहा है मजा आ गया मजा कपड़ा पलटना है उसको देखिए तेरा हस्बैंड कितना अच्छा गाइस नहीं पलटता है कपड़ा इसलिए नहीं सोता है
ऐसा बोलती है ना, कितना बढ़िया खाना खिलाता तो लग रहा है। आप ऐसा बोल रहा है ना, खाना तुमको बनवाते, आदमी भी सोचेगा कि खाना बनवाती हूँ इसकी। इसको कोई पूछे लड्डू सो गया है, लड्डू सो गया है ना, तो ले जाते उसको थोड़ा बाहर, उठेगा उसके बाद इको पार्क थोड़ा ले जाएंगे, हल्का घुमा कर जाएंगे, नहीं जाएगी पैसा बर्बादी, पैसा बर्बाद जी, पैसा लगता है तो अच्छा जगह भी तो है घूमने के लायक, बच्चा कोई खतरा नहीं है, रोड नहीं है, गाड़ी घोड़ा नहीं है, ये अच्छा है, बड़ा बड़ा बच्चा लोग नहीं है वैसा कि ढकला ढकली खेल रहा, ग्राउंड ले जाते हैं, फुटबॉल है, क्रिकेट बॉल है, लगने का डर रहता है बार बार उसके पीछे पीछे, यहाँ पर थोड़ा छोड़ देना, सभी खेलता है पार्क में, देखिए अब नहीं मन है तो कल जाएंगे, जब अच्छा खाना बनता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम पेट अच्छा लगता है, भरा भरा पेट अच्छा इसलिए लगता है गाइस क्योंकि हम निकाले थे, और नॉनवेज बनता है तो वेज कुछ खा लो तो उसको ये कर जाएगा, तो ये नहीं, एक नॉनवेज खतरे, और कभी दिन ऐसा नहीं होता जो कम बनता है, कभी कभार आज हम इसको बोले छोटा वाला मछली ले आओ 250 ग्राम, लेकिन ये ले आता है 1 किलो 2 किलो, तो ठीक है लाओ, तो खाता, अभी हम इसको दिए हैं थोड़ा सा, एक पीस दिए हैं पेटी और एक दिए हैं माथा, तो खाया है, और पत्ता गोभी का साग दिए हैं, पत्ता गोभी और आलू का सब्जी बनाता उसको दिए हैं, खा चाहती है तो नहीं खाए, तुम खाओ थोड़ा थोड़ा करके खाओ, एकदम खा लेता है ज़्यादा, मेरा कहना है 30-35 साल तक जितना खाना है खाओ दबा के हर चीज़, उसके बाद तो बारन करना ही है, हर चीज़ खाओ और बोरा की तरह इसे बैठल रहो। हाँ तो क्या करे, अभी डांस करे का, कैमरा पकड़ेगी तो डांस जरूर करते हैं, एक्टिव करो, कोई है ये नहीं है डांस, तो तुमको बोलते हैं रील्स, रील्स बनाने का बहुत मन करता है, अच्छा अच्छा रील्स बनाए, लेकिन कोई है ये नहीं कोई सपोर्टर, एक वो लड़की से चैट कर रहे थे हम फेसबुक में, लोकल ही है, अरे बाबा ऑफ करना है, सोचे रील्स बनाएंगे तो उसको बोले, तो बोले एग्री हुई थे कैंसिल करवा दी, हम कभी कैंसिल नहीं करा, तुम्हें ना बोले कि नहीं कोई लड़की क्यों छुएगा, इससे बोल दी छूने का बात, उसको मना कर दिए तो मने हो गया, उसके बाद बातें नहीं की हमसे, अभी खाना खा कर ऐसे बैठे तो बड़ी आराम लग रहा है, कि पीछे साइड से पूरा धूप लग रहा है पीठ में, बहुत आराम, ये अनार आंटी दी थी कल परसों दी थी, वो अभी आधा टुकड़ा बचा हुआ था, अभी खा के ख़त्म कर रहा, हो गया पक गया, पता नहीं हमने देखा सीटी दे रहा था तो बंद करके आ गया, इतनी भैंसी हो गई है ना, किसका कोई चारे नहीं, लो ये चारा खा के चारा मैन हो गई, थोड़ा हेल्थ डाउन करो, थोड़ा फिगर वगैरह बनाओ तब ले जाएंगे गैंगटॉक, तो गैंगटॉक हमको खाली बोलो ना कि हम ले जा रहे, पैसा दिखा दो गैंगटॉक जाने के, तो हम देखो तुरंत रेडी हो जाएंगे, ले जाएंगे रुको, सब्र तुरंत तेरे सब्र का फल मीठा, तुरंत रेडी हो जाएंगे, तुम जानता नहीं है गैंगटॉक जाने के लिए निकालेंगे ड्रेस, तो रेडी होके रहो लेके जाएंगे ना, रेडी होकर तो खाते रहेंगे, तुम गैंगटॉक हम सपना देखते रहेंगे, भद्रा बीच जाएंगे गैंगटॉक को नहीं जाएंगे, कपड़ा पहन के तुमको दिखाएंगे, चल भाग, नहीं नहीं तुमको ले जाएंगे गैंगटॉक, ले जाएंगे मनाली शिमला सब जगह ले जाएंगे, रुको ना टाइम आने का, अभी बोल के भुला जाएगा, बोल भी नहीं किए बोलेगा उसको, ऐसे बोल रही है ना, बोल के कहे भुलाएगी, हम लोग का देखो घर के पास बैर का पेड़ है गाइस, चुप रहो, सब लोग आता है इधर उधर से खाने, हम लोग कभी नहीं, बात सही है मेरा, मतलब ये बगले में है, लेकिन अभी तक हम लोग एक भी बैर नहीं खाए वहाँ से, आज खाते हैं ना, चलो बाबू उठेगा तो लेते चाहिए, समझे, तो उधर चल जाएगा जा रहा था, गोदी में रखना तोड़ना, उसको भी थोड़ा टेस्ट करवाना, बहुत फला था, नीचे नीचे डालेगा पूरा खराब कर दिया, बच्चे लोग खा कर कल है, तो बूढ़ा लोग भी आता है इधर खाए सब है, ज़्यादातर हॉस्टल की लड़की लोग आती है, और हम चिल्लाते हैं तो सब भागते हैं, हमसे चिल्लाने से नहीं भागती, हमसे बतियाती है, लेकिन हम बोलते हैं तो ये लोग गौर करता है, इधर बगल वाला आंटी लोग भाभी लोग, तो ये लोग टोका जाती है तो लोग भाग जाती है, सोचते हुए कि डांटेगा वो लोग,
एक बार डांट खिलाया था मैंने मतलब ऐसे ही तोड़ रहा था ना, और आवाज़ दे दिए, अब सुन लिया बगल वाला घर का, और वो छत में कपड़ा सुखा रहे थे, दे झड़ैया भागा ना बिल्कुल। उसकी माँ का है इसीलिए डांटती है कि पकने दो, वो तो अपने हुआ है, लेकिन एक जरिया बन गया कि मेरा घर के बगल में हुआ है मेरा है। आदमी वही ना बोलता है, नहीं लगाएगा लेकिन बोलता है मेरा है। लगो रास्ता बात अलग था, ऐसे जब हम लोग यहाँ आया था, एक एक हाथ का ऐसे सुट्टी जैसा दिख रहा था, दो साल में इतना पेड़ बन गया, बहुत जल्दी ग्रोथ किया, फल भी गया, फल गया, अच्छा क्वालिटी है, अच्छा क्वालिटी का पूरा झबरा का फला। आज इतना अच्छा धूप कर रहा है ना, बहुत मस्त, लेकिन कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि धूप अब बढ़ाएगा, नहीं लगता है? लग रहा था, लग रहा है ना, दो दिन पहले भी ऐसा ना लग रहा था, फिर बारिश हुआ दो दिन, अचानक मौसम चेंज कर दिया दो दिन, फिर आज ऐसा ही कर दिया, ऐसा लग रहा है कि गर्मी आ गया, बाहर में बैठ नहीं सकते, यहाँ पर तो ठीक लग रहा है, पीठ में खाली लग रहा है, धूप तो ठीक, नींद आता है। हाँ, अभी हम लोग सोने जाएंगे तो लड्डू उठ जाएगा, और जब वो सोएगा तो हम लोग करीब नहीं आएगा, बहुत गड़बड़ी सड़बड़ी चलता है, और तो ऐसे है सब। एप्पल खा रहा है और छिलका फेंक रहा है, मोटा छिलका है इसका, बहुत रद्दी छिलका, रेट कम का है ना, कम रेट का है गाइस एप्पल तो। ओह माय गॉड, ठीक से बैठो, अब उकना दे, थोड़ा सा लधकते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, कुछ नहीं होता, दर्द करता है। आज नेल पॉलिश बाल में तेल लगाए हैं गाइस, हम बाल धोना है कल धोएंगे, और आज सैटरडे है ना, हाँ कल संडे ना, मैं तो पता चला कि कल ड्यूटी नहीं गए, और अब नेल पॉलिश लगाएंगे, सोचो इतना गंदा हो गया है तो नेल रिमूवर ही नहीं था, आज खरीदेंगे देखते हैं। अच्छा ठीक ठीक, अरे कुर्सी छोड़ो ना, तेरा ऊपर ना बैठ रहे हैं हम, है टूट जाएगा, कहाँ डाली मुनगा, वो तो उधर है कीचड़ में, वो वाला बढ़िया हुआ ना, ए मिस्टर, वाह वाह, तब मैडम कैसा फील कर रहे हैं कुछ बताइए, कोई फीलिंग्स नहीं है, अरे तेरे को तो लड्डू खाना उना खा लिया है, और मेरा भी पेट अभी तक फुल है, मतलब भूख नहीं लगा दोबारा, टाइम भी इतना हो गया, 4 बजने वाला है, लेकिन भूख नहीं लगा, अब थोड़ा देर और उसके बाद लेके जाएंगे बाबू को थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा शांति निकेतन तर बाद चलते हैं, कहे कि बहुत दिन हो गया उधर गया हो, उधर कुछ खुला था ना रे, हैं उधर कुछ तो था, शांति निकेतन में ही बार बार निकलता था घुसता था, कुछ नया खुला है उधर शायद पार्क और कुछ, समझे उधर खुला है, सोचेंगे जाएंगे, लेकिन फिर इधर मौसम ख़राब हुआ तो फिर प्रोग्राम कैंसिल हुआ, आज जाते हैं, अगर खुलेगा होले फिर दोबारा जाएंगे। अब तो खेलते देबे ना, तो शाम का टाइम हो गया है और हम लोग जा रहे हैं शांति निकेतन, बहुत दिन के बाद, बहुत नहीं मतलब 2 या 3 दिन हुआ होगा जब से मौसम ख़राब हुआ, उसके बाद हम लोग गए नहीं थे, एक बार लड्डू को लेकर गए थे शायद काली मंदिर, हाँ काली मंदिर गए थे, लेकिन वो शांति निकेतन नहीं था, वो रोड के ही साइड में था, बस वहीं पर गए थे, आज जा रहे हैं शांति निकेतन स्पेशल फुचका खाने के लिए, कहें कि बहुत दिन हो गया मेरा खाया हुआ, और मैडम को भी आज मन है कि खाना है तो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, खाना चाहिए, नहीं तो वो कभी एग्री नहीं करती फुचका खाने में, आज कैसे कैसे उसको मन किया है, तो वहीं पे जा रहे हैं, लड्डू भी तैयार, हम भी तैयार, मैडम भी तैयार, अभी कपड़ा घुसा रही है, जूता कहाँ निकाल रहा है, चलो लो, चलो 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 जल्दी जूता बनाते, चीट लगा, चलो उठो उठो उठो, अरे वाह खाली गोदी माल स्पेशल माल हो गई है कि तो वो गोदी माने वाली माल, चलिए मैडम पा कीजिए हमको, पा कीजिए लड्डू, लड्डू पा चाहिए हमको, लड्डू पा छोटी सी पा, तब मैडम लड्डू का जूता ही बनवाया था, 5 रुपया बोला था इसको, 10 रुपया दे दिया, और आज देखिएगा ना क्या बोलता है, आज मैडम को मन किया फुचका खाने का, फुचका खाएंगे, बाबू का जूता भी बनवाएंगे, हाँ जूता भी बनवाना है, और कुछ स्पेशल तो तुम करोगे, स्पेशल बोलेंगे तो बोलिए बोलिए मैडम, कुछ स्पेशल फुचका के साथ दही बड़ा भी मिल सकता है, चलो चलो कैंसिल हो गया, तेरा तरफ से रहेगा तो हमारा
चलो लो गाड़ी चलाएगी, गाड़ी चलाना है। इधर जाएंगे गाड़ी लेके? शांति निकेतन वहीं जाएंगे। कब बनाएंगे तब? उधर से घूमते हुए। हाँ हाथी तो खाइए ले है, चलो पकड़ो। ला 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 तुमको नहीं चलाना हर बाप। क्या खाएगा? नहीं खाएगा। फुचका खाएगा कि नहीं? इधर इधर मम्मा, मम्मा को बोल दो तो। फुचका खाएगा कि नहीं? नहीं खाएगा। अच्छा पूछो दोन। हो गया भाईजान, एको पापड़ी दे देना। ले बेटा चलो मम्मा पास जाओ, हमको खाना दो। अरे हाँ नीचे कैसे उतार दें यार, गाड़ी चल रहा है, दौड़ जाता है ना अचानक। इधर उधर घूमते घूमते खाओ, देखो मुंह कैसे बना रहा है। नहीं खाएगा, खा क्या है? आशा नहीं तो आज क्या खुल गए ना, आज के शनिवार ना, छोटी छाटा दिन खाना है। उस दिन खा गए कितना का? 40 का खा गए। घर जाए खाने, खाना ही नहीं खिला रहा है। देखिए मैडम नहीं खाई है फुचका, कहे कि यहाँ इसको लगता है तीखा। हाँ, बहुत ज़्यादा मसालेदार रहता है, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ सबको पसंद आता है, बस इसी को अच्छा लगा तो बोलिए नहीं, उसको वही अच्छा लगता जो ऊपर में है फुचकी के पास। हाँ टीना को अच्छा नहीं लगा, कितना खा ही रहे यहाँ मेरा साथ। लेकिन ये वाला मेरा फेवरेट है, यहाँ तो हम डेली आते हैं, पहले अभी तो नहीं आते हैं। अब यहाँ चलते हैं दूसरा ठेला की ओर, जहाँ पर मैडम खाना पसंद करेगी। सूजी दो हमको भी। छोटा सा मुंह खुलेगा, छोटा सा मुंह है, छोटे ना खुलेगा। किसका बड़ा मुंह खुला है? माँ का फेंक करता है, सासू माँ का। आ जाओ बैठो, आ जाओ, आ जाओ। तो लड्डू सो गया, फुचकी डोना आते ही सो गया। फिर गोदी में आया, फिर घर आया, सो गया। चॉकलेट नहीं, अभी चॉकलेट देंगे ही नहीं हम, अभी दिन का ही खाना पीना बचा हुआ है, हमको लगता है कल भी चल जाएगा। हाथ चढ़ाया तो दिन का, तब तो सब दिन का रात का रहता है, हमको इसका बोली समझ में नहीं आता। सब्जी है ना, सब्जी है कि नहीं? सब्जी है ना, भात है ना बनाना, मेन चीज क्या है? मेन चीज सब्जी बनाना आता तो भात तो बन ही जाता कभी। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। कुछ बोलना था लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में बोलेंगे। जबरदस्ती डाल देगा। गुड नाइट गाइस, बाय बाय।